कुछ यात्रु आए हैं कोल कंडोली मंदिर में जो अदर स्टेट से लगता है आए हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन इन्होंने फॉलो की अभी तक और ये माता रानी के दर्शन को आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पाटिल है, हम लोग बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे में हम लोग उरन में रहते हैं, रायगढ़ में, उधर से हम लोग आए। हम लोग जो नवरात्रि रहते हैं उस नवरात्रि में हम लोग हर साल आते हैं, लेकिन ये जो नवरात्रि है ये नवरात्रि में हम लोग फर्स्ट टाइम आए। उधर हम लोग माता रानी का कल दर्शन लिया, सब हमारे हम लोग 30 लोग है, पूरा दर्शन लिया। उधर दर्शन लेने के बाद और भी हम लोगों को अच्छा लगा माता रानी के दर्शन में। अभी भीड़ कम है, लेकिन जो अभी सजावट चालू है, जो ओ नवरात्रि रहते हैं जो सितंबर में होते हैं और ये नवरात्रि में अभी बहुत ज़ोरदार से चालू है। उधर बहुत सब पैर पुली चालू है, हर लोगों के पास टेस्ट का रिपोर्ट है कि नहीं। अभी कोरोना पूरे दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसके लेके बहुत उधर सब निगरानी चालू है, हर लोगों को चेकिंग किया जाता है, चार चार पर फिर एक एक। जब आपने जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार एंटर किया, आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ी वहाँ पे, क्या क्या आपको बोला गया सर डिपार्टमेंट द्वारा? पूरा टेस्ट रिपोर्ट हम लोगों को पहला चेक किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बोला, मास्क मुंह पे रहना मांगता है कंपलसरी हर लोगों को। ये आप देख सकते हो माता कोल कंडोली नगरोटा में आपको दर्शन कराया रहे हैं हम। कल से चैत्र नवरात्रा शुरू है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। कोल कंडोली माता रानी के दर्शन आप देख सकते हो जेके न्यूज़ ब्रेक पे। इस वक्त माता रानी इस महामारी को, जो कोरोना की महामारी पूरे भारत में बढ़ रही है, उसको माता रानी दूर करे, इन नवरात्रों में इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, जल्द से जल्द लोगों की यही प्रार्थना है। यहाँ पे मंदिर से तो पहले मेरा ही फर्ज बनता है, जो भी आएगा पहले दुकान से आगे निकलेगा तो सबसे पहले मेरा ही फर्ज बनेगा उसको मना करना, भाई अपना मास्क लगाओ या जो भी है अवेयर करना, मेरा तो पहला नंबर फर्ज बनता है, क्योंकि वो पहले मेरे आगे से निकलेगा फिर आगे जाएगा, तो मेरा तो ये फर्ज बनता है, ये एक नागरिक होने के नाते भी और एक तो दुकानदार होने के नाते ज़्यादा बनता है। कल को मुझे हो जाएगा तो मैं दुकान कौन करेगा, तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी, सर्कल कैसे चलेगा, यही वही तो है, पूरा सर्कल हमारा खत्म हो जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए, ये पूरा ध्यान में रखते हुए सर हम यही चाहते हैं कि यात्री जो है उनको भी अवेयरनेस करें और अपने दुकानदारों को भी करें, जो भी अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे जो भी है उनको सबको अवेयर करना हमारा फर्ज है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ के दुकानदार, कोल कंडोली माता रानी के बाहर जो छोटा सा एक मार्केट है वहाँ पे ये दुकान करते हैं। इनका यही कहना है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे बाहर से उनको अवेयर किया जाएगा, और कोरोना महामारी को देखते हुए इन्होंने सैनिटाइजर मास्क के लिए खुद भी इन्होंने मास्क रखे हुए हैं पास में, अगर किसी के पास नहीं मास्क होता है उसको खुद फ्री में मास्क दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये भी बात बता देते हैं कि हमारा इस महामारी कोरोना के बीच जो चलती आ रही है, साल हो गया जिस सालों से चलती आ रही है, तो हमने इसका जो फॉलो जो किया हुआ है कि हमारे इस मंदिर में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, करने वाले हैं, सब ने अपने अपनी ड्यूटी संभाली हुई है, अपने अपने लाइन में लगे हुए हैं, यात्रियों की हिफाजत के लिए, यात्रियों की सेवादारों के लिए बैठे हैं कि यात्री हमारे मंदिर में आए और उनकी हम सेवा में अर्पण हो, और उनके लिए हमने डोनेशन जो भी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको हम वाया ऐसे नहीं चढ़ाएंगे, दूर से ही उनको सैनिटाइजर किया जाएगा और उनको दूर से ही माथा टिकवाया जाएगा, उनके प्रसाद में हम हाथ नहीं लगाएंगे, और जो भी लाया है वो यात्री को खुद बोलेंगे हम अपने हाथ में रखो और माता को दिखाओ और वापस ले जाओ। सैनिटाइजर का हमारा जगह जगह में चप्पा चप्पे में बंदोबस्त बन गया, बना के रखा हुआ है, हैंड वॉश करने के लिए हमारा पूरा प्रबंध करके रखा हुआ है, और हम अपने मंदिर के अंदर जो भी हमारे टच जो करने वाले फिंगर्स हैं उन पर हमें सैनिटाइजर करने का निर्णय लिया हुआ है कि दिन में तीन बार नहीं तो दो बार तो करना ही पड़ेगा सुबह और शाम। बाकी यात्री तो इधर है ही नहीं हमारे पास, अगर भवन में यात्री आएंगे तो कोल कंडोली में यात्री पहुंचेंगे, भवन में यात्री नहीं है तो हमारी कोल कंडोली में यात्रा आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए माता से यही निवेदन करते हैं कि जो मारामारी यहाँ पर चल रही है इसके बचाव के लिए माँ के चरणों में श्रद्धालु आए और माँ से निवेदन करके जाएं कि माँ इस मारामारी को दूर करें और हमारा कल्याण हो और हमारे भारत का कल्याण हो। इसमें माँ भगवती की कृपा
उन भक्तों पर भी बरसे जिन भक्त जो भक्त लोग इस मारामारी में उलझ रहे हैं, और माँ की हम यही दुआ करेंगे माँ से कि माँ उन भक्तों को भी जल्दी से स्वस्थ बनाओ और इस मारामारी को दूर भगाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। पंडित जी एक सवाल आपसे हो रहा है कि जो लोग आते हैं मंदिरों में आते हैं, भीड़ होती है, और आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को कि नवरात्रा के दिन कैसे चलना चाहिए मंदिरों में, अगर आप जाओगे क्या क्या आपको कैसे फॉलो करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो जैसे यात्री हमारी पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है तो हमारे प्रसाद वाले दुकानदारों के पास आ रहे हैं, उनके पास सैनिटाइजर। हम हैं कोल कंडोली माता रानी नगरोटा में मंदिर में, और हमारे साथ हैं यहाँ के महान पंडित जी बाबू राम जी। ध्यान चाहिए जहाँ आने से पहले ये बंदोबस्त चाहिए, अपना मास्क लगाना है और एक दूरी बना के रखनी है। पहला दर्शन है माँ का कोल कंडोली। कोल मैंने कटोरी अष्टमी वाले दिन माँ ने कन्या पूजन किया था तो कन्या को कोल बांटे थे चांदी के, क्षिति प्रकार का भोजन आया था तब इसका नाम है कोल कंडोली। माँ बोलती है यहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति है, शिव बिना शक्ति धुरी है। शंकर भगवान का दर्शन करना भी जरूरी है, नीचे कुआ है माता रानी का, वहाँ अमृत पीना भी जरूरी है, शिव मंदिर वहाँ है। और कल से ये यात्रा चालू हो रहा है तो पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई, आगे जाना है ना, आगे जाए। यह पहला दर्शन कोल कंडोली करना है देवा माई, देवा ने भरनी है झोली। दूसरा दर्शन आ गया देवा माई, तीसरा आ गया आपका बाण गंगा। बाण मारने से बाण गंगा बनाई गई है भक्तों, वहाँ भी नहाना जरूरी है, पानी पीना भी जरूरी है। बाण मार के माँ ने पानी प्रकट किया है, वह तो शेर ने अंगड़ाई ली है उसके चरण पागता, शेर के ऊपर माँ बैठी है, चरण पागता का मतलब चरण लगे हैं माता के वहाँ। दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन आ गया आपका बाण गंगा, बाण गंगा बनाई गई है। तो उसके बाद आ गया आदकुआरी गुफा, आदकुआरी गुफा 9 महीने वेट किया गया। माँ चाहती थी मेरे हाथ से भैरव मारा ना जाए, भैरव चाहता था हम दाव लगाएंगे लड़की पकड़ के शादी कर लेंगे जबरदस्ती, तो उसको श्राप देने वाला कौन है, उसका गुरु, तेरी मृत्यु इस कन्या से होगी। फिर माँ बोलती है जब मौ जाती है मेन गुफा के ऊपर, तो मेन गुफा को तैयारी करती है बाण मारने के लिए, गुफा बनाने के लिए, तो फिर भैरव पहुँच उठाता है, बोलता है माता जी मेरे से गलती हुई है, बोल मुझे माफ़ कर दो। माँ ने बोला माफ़ करने का समय नहीं है, समय हो चुका है। तो बाण मार के उसकी थर्ड नीचे या सिर ऊपर चला गया। वहाँ एक पिंडी के दर्शन है माँ कोल कंडोली, वहाँ 3 पिंडियों के दर्शन है। बोलो सच्चे दरबार की जय। भंडारे करने के बाद यहाँ माँ ने पानी पिलाया, कोलों में भोजन करवाया गया, तब नाम है कोल कंडोली। नवमी को भंडारा भी होता है यहाँ, और देखो समय आएगा तो भाई भंडारे होने हैं, समय नहीं आएगा तो क्या करना है माँ ने, क्या वो अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते, उसके ऑर्डर बिना पता भी नहीं हिलना है। जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की जय। जम्मू से कपिल शर्मा के साथ JK न्यूज़ ब्रेक।